सारे बोले जा रहे हैं कि 2020 अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है, पर मेरी मम्मी कहती है कि अगर नेगेटिव सोचोगे तो फिर यूनिवर्स सुन लेता है और फिर नेगेटिव होता रहता है। तो फिर बोलना बंद कर दो कि 2020 अच्छी नहीं है, क्योंकि सबको तो पता है हो क्या रहा है। तो बस बोलना बंद कर दो, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम के वर्ड्स, थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस एनर्जीज पैदा करती हैं। तो फिर नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है और पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है। तो फिर थिंक पॉजिटिव, ठीक है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि दुखी फील नहीं करो, दुखी फील करो, बट ये नहीं कि वही घुले जा रहे हो उस दुख में। और भी चीजें डिस्ट्रैक्ट करो अपने माइंड को, फोकस ऑन हैप्पी थिंग्स, थिंग्स दैट गिव यू हैप्पीनेस, एंड थिंक पॉजिटिव। और आपको अपना ख्याल भी रखना आना चाहिए। अगर खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो फिर सामने वाले का कैसे ख्याल रखोगे? और सामने वाला भी अगर परेशान हो तो दोनों का कौन ख्याल रखेगा? सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। सारे दुख की चीजें गिनता रहेगा क्या? अपनी ब्लेसिंग्स भी तो गिन। कितनी सारी ब्लेसिंग्स है, काउंट कर पहले। सो स्टॉप सेइंग कि ये वर्स्ट ईयर है, ओहो क्या हो रहा है, होय होय क्या हो रहा है। सबको पता है ना क्या हो रहा है, सबको दिख रहा है, उसको बोल के तो कोई फायदा है नहीं। पॉजिटिव सोचो, थिंक पॉजिटिव, फोकस ऑन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव फील हैपन, एंड आई लव यू। क्योंकि हम यहाँ पे बहुत झूम पाती है तो फिर ये छोटे प्लांट्स को शेड देगा। जो हम वीडियोस बनाते हैं उससे भी हमको बहुत हैप्पीनेस मिलती है, क्योंकि तुम अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हो, फिर मैं खुश हो जाता हूँ। देखो तो कपड़े सुखा के भी हैप्पीनेस आती है, जब ये गिल्ले होते हैं तो फिर इसको ऐसे करते हैं, फिर मेरे के मुंह पे छींटे आते। ये बातें आती तो सबको है पर फिर हम भूल जाते हैं, तो मैं तो बस रिमाइंड करा रहा हूँ। वी आर वी ऑल making this crab, yeah. We are all in this together, so be nice to each other and give love to each other.